Let us look at the deemed accrual and arising of royalty income. And the provisions are given in section 916. Just like in case of interest, even the royalty income, whether it deems to be accrued or arising in India, is governed by two key factors. Who is the person who is paying the royalty to the non-resident? And what is the purpose for which such royalty income has been paid to the non-resident? Now, the royalty can be payable by, insofar as the payer is concerned, by three categories. One, the person who is a tax resident of India. Second, the Indian government. And third, a non-resident. In each of these three cases, there are different rules as to when would the royalty be deemed to accrue or arise in India. Let us look at them one by one. The first and the simplest one is when the royalty is payable by the Indian government. When would it be deemed to accrue or arise in India? Agar royalty Indian government ne pay kari hai, to wo kaun si situation hai jisme isko hum deem kar lenge to accrue or arise in India. Royalty shall be deemed to accrue or arise in India when it is payable by the Indian government to the non-resident. Agar Indian government ek non-resident ko royalty pay kar rahi hai, to wo hum ye deem kar lenge ki it is accruing or arising in India. Ab ek bar accrue or arise ho gayi, uske baad हो सकता है इनको कोई एग्जेम्पशन मिल जाए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट जिसको हम ट्रीटी भी बोलते हैं उसमें, या सेक्शन 10 में, डिपेंडिंग ऑन कि रेसिपिएंट कौन है. बट जहां तक बात इस चीज़ का है कि वेदर इट विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इफ द रॉयल्टी इज पेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू अ नॉन रेसिडेंट, it shall always be deemed to accrue or arise in India without any exceptions. When I say without any exceptions, इसका रेलेवेंस क्या है? जब कोई रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट पे करता है, उस केस में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. इंडियन गवर्नमेंट के केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है. सेकेंड, रॉयल्टी पेएबल बाय रेजिडेंट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. अगर एक इंडियन टैक्स रेजिडेंट है जो रॉयल्टी पे कर रहा है किसी नॉन रेजिडेंट को, ये रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज इट इज़ अ रेजिडेंट एंड इट इज़ पेइंग रॉयल्टी टू अ नॉन रेजिडेंट, जनरली रॉयल्टी पेएबल बाय द रेजिडेंट शैल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. बट देर आर टू एक्सेप्शंस, सब्जेक्ट टू टू एक्सेप्शंस, मतलब इन दोनों सिचुएशन में ये रॉयल्टी इंडिया में डीम टू अक्रू और अराइज नहीं होगी. अब ये दोनों सिचुएशंस कौन सी है? वेयर इट इज पेएबल, इट मतलब वेयर द रॉयल्टी इज पेएबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनी राइट और द यूज ऑफ एनी प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन और फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज. अब यहाँ से ये पार्ट जो है इम्पॉर्टेंट है. फॉर द पर्पसेस ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड आउट बाय सच पर्सन आउटसाइड इंडिया. अगर ये रेजिडेंट कोई बिजनेस कर रहा है इंडिया में, सो इफ देर इज अ इंडियन बिजनेस, दैट्स ओके. बट सपोज इस नॉन रेजिडेंट का इंडिया के बाहर भी कोई फॉरेन बिजनेस है, इस बिजनेस को करने के लिए इस अल्फा इंक ने कोई भी इसको क्या किया, एक प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए दे दी. प्रॉपर्टी मतलब मे बी ब्रांड और समथिंग, या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, या कोई सर्विसेज दी, ठीक है. और ये किसके लिए दी? फॉर अ बिजनेस विच इज़ आउटसाइड इंडिया. उस सर्विस के लिए अगर इस रेजिडेंट ने इसको कुछ पे किया है अल्फा इंक को, that will not be treated as income which is deemed to accrue or arise in India. In other words, iska logic kya hai?
कि अगर मैं इंडिया में कुछ कर रहा हूँ उसके लिए मैंने आपको रॉयल्टी दी है, तब तो वो डीम टू अक्रू ऑन अराइज इन इंडिया हो गई। लेकिन अगर मेरा इंडिया के बाहर कोई बिजनेस है, उस बिजनेस को करने के लिए मैंने आपको कोई रॉयल्टी पे करी है, वो इंडिया में डीम टू अक्रू ऑन अराइज नहीं होगी। सेकेंड, वेयर इट इज़ पॉसिबल फॉर द पर्पसेज ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। अब ये तो बात हुई फॉरेन बिजनेस की। हो सकता है मैं इंडिया के बाहर कुछ और काम कर रहा हूँ जो मेरा बिजनेस नहीं है, उसके लिए मैंने अल्फा इंक से कुछ सर्विसेज ली या कोई प्रॉपर्टी ली यूज़ करने के लिए, जिसके लिए मैंने अल्फा इंक को रॉयल्टी पे करी है। इवन इन दैट केस ऑल्सो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी विच इज़ डीम्ड टू अक्रू ऑन अराइज इन इंडिया। वाई? बिकॉज वो किस पर्पज़ के लिए मैंने पे करी है, ताकि मैं फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग और अर्निंग कुछ पैसे कमा सकूँ। कहाँ? आउटसाइड इंडिया। विद इन इंडिया इट वुड हैव बीन कवर्ड, आउटसाइड इंडिया इज एक्सक्लूडेड। लेट्स लुक एट द थर्ड कैटेगरी ऑफ पेयर्स, रॉयल्टी पेएबल बाय नॉन रेजिडेंट डीम्ड टू अक्रू ऑन अराइज इन इंडिया। अगर एक नॉन रेजिडेंट किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी पे करता है, ये कब डीम टू अक्रू ऑन अराइज इन इंडिया होगी? दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू सी नाउ। अब अगर नॉन रेजिडेंट, एक जनरल सी बात है कि अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहर कोई बिजनेस कर रहा है, देर इज़ अ फॉरेन बिजनेस, उसके लिए इन्होंने ये रॉयल्टी पे की किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को, ऑब्वियसली इसका कोई इंडिया से लेना देना नहीं है, तो वाई शुड दिस इनकम बी टैक्सेबल इन इंडिया? लेकिन ये तब टैक्सेबल होती है जब नॉन रेजिडेंट का कोई इंडिया में बिजनेस है और इस बिजनेस को करने के लिए इसने कुछ सर्विसेज ली, जिसके लिए उसने सर्विसेज ली या प्रॉपर्टी ली या राइट टू यूज़ किया, जो भी हो सकता है जो रॉयल्टी के डेफिनेशन में फॉल करता है, और उसने रॉयल्टी पे करी। या नॉन रेजिडेंट का कोई इंडिया में सोर्स ऑफ इनकम है और उस सोर्स ऑफ इनकम में इनकम के लिए इसने रॉयल्टी पे करी है। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आती है कि व्हाट इज़ द लॉजिक, व्हाई इज़ इट दैट एक नॉन रेजिडेंट के केस में हम इस इनकम को इंडिया में टैक्स कर रहे हैं? अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडिया से कोई इनकम कमाता है, उसका एक बिजनेस है, मान लीजिए इसकी इनकम यहाँ पे $100 की है, उसने जो ये रॉयल्टी पे की नॉन रेजिडेंट को, उसने कहा मैंने $10 की रॉयल्टी पे करी है, मेरी इनकम केवल $90 होनी चाहिए इंडिया में। अब इंडियन गवर्नमेंट के नज़रिए से देखें तो उन्होंने इस $10 का टैक्स डिडक्शन दिया है। अगर ये नहीं होता तो टैक्स $100 पे लगता, 90 पे नहीं। टैक्स न्यूट्रैलिटी अचीव करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं इसकी डिडक्शन दे रहा हूँ तो जिसको ये मिल रही है उसको टैक्स भी तो देना चाहिए इंडिया में, क्योंकि ये इंडिया सोर्स्ड इनकम है। दैट इज़ वेयर दिस कॉन्सेप्ट कम्स इन, कि एक नॉन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के केस में भी दिस बिकम्स टैक्सेबल। रॉयल्टी पेएबल बाय अ नॉन रेजिडेंट शैल बी डीम्ड टू अक्रू ऑन अराइज इन इंडिया ओनली व्हेन, मतलब केवल इसी सिचुएशन में ये रॉयल्टी इंडिया में डीम टू अक्रू ऑन अराइज होगी, ओनली व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट, रॉयल्टी इज पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन यूज और सर्विसेज यूटिलाइज। अगर इस नॉन रेजिडेंट ने कोई राइट दिया है, कोई प्रॉपर्टी दी है, या कोई इंफॉर्मेशन दी है, या कोई सर्विसेज दी है, और ये सब जो हैं ये यूटिलाइज हुए किस चीज़ के लिए? फॉर द पर्पसेस ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया। अगर ये इंडिया में नहीं है, आउटसाइड इंडिया है, जैसे मैंने कहा था अगर नॉन रेजिडेंट का कोई फॉरेन बिजनेस है उसके लिए यूज़ होती है, देन इट विल नॉट बी डीम्ड टू अक्रू ऑन अराइज इन इंडिया। या सेकेंड, रॉयल्टी इज़ पेएबल फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। या आपने कोई और सोर्स ऑफ इनकम है इंडिया में, उस इनकम को कमाने के लिए आपको कुछ सर्विसेज की या कुछ ब्रांड की ज़रूरत थी जो आपने इस नॉन रेजिडेंट से ली, एंड यू पेड रॉयल्टी टू हिम, इन दैट केस इट विल बी डीम्ड टू अक्रू ऑन अराइज इन इंडिया। सो रॉयल्टी विल बी डीम्ड टू अक्रू ऑन अराइज इन इंडिया if payable by a resident. There are two exceptions: if it is payable for business or profession outside India,
or it is payable to earn income from any source outside India. Indian government always deemed to accrue or rise in India. Non-resident never deemed to accrue or rise in India unless it is payable for a business or profession in India or to earn any income from any source in India. If I have to look at the graphical test, एक स्लाइड में हम लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं. रॉयल्टी पेएबल बाय द इंडियन गवर्नमेंट, यस इट विल ऑलवेज अक्रू और अराइज इन इंडिया. इफ इट इज़ नॉट पेएबल बाय द इंडियन गवर्नमेंट बट इट इज़ पेएबल बाय अ रेजिडेंट, आई नीड टू आस्क वेदर द बिजनेस और द सोर्स इज इन इंडिया. इफ द बिजनेस और सोर्स इज इन इंडिया देन इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. Actually, it is accruing or arising in India. If the business or source is outside India, it accrues or arises outside India. Insofar as the non-resident is concerned, does the non-resident have a business in India? If it is not in relation to a business in India, it will be accruing or arising outside India. But if there is a business in India, it will accrue or arise in India.